जिस तरह से आप लॉकडाउन के दौरान अपने क्षेत्र में जिस तरह लगातार प्रयास करते रहे हैं, तो क्या आपको भाजपा कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए है क्या? अभी हम लोग करता हैं, मैं 13 साल भाजपा में रहा हूं, जिला उपाध्यक्ष किया हूं, कल्याण सिंह के जमाने से रहा हूं, बीच में मैं बसपा में चला गया, 5 साल विधायक रहा, इसके बाद मैं पुनः छोड़ करके इसमें आ गया। अब ये निश्चित हम लोग तो वर्कर हैं, शीर्ष नेतृत्व का अपना अधिकार है, जरूरत मुझे समझेगा तो जहाँ उपयोग करना चाहेगा करेगा, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार हूँ। और उनको आवश्यकता महसूस हो, किसी शंकर चौहान की भी आवश्यकता है इसमें पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए, तो निश्चित हमारे ऊपर विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं जमीनी नेता हूँ और जमीन से जुड़ करके बिना पैसे का, बिना खर्चा किए मैं विधायक बना था। लोगों ने सिक्का से तोला था, नोट के मालाओं से लादा था। आज जब मैं विधायक बना तो मैं पहली बार बांसडे की हालत को मैंने देखा, चूँकि जमीन का नेता हूँ, मैंने नई तहसील दिया, मैंने फायर स्टेशन दिया, 17 पानी टंकी दिया, आपके रेवती में 35 बेड का हॉस्पिटल दिया, सहतवार थाना दिया, बांसडे थाना दिया, तमाम आपका महिला सहतवार वो दिया, हॉस्पिटल में कुसौरी आपके भोपालपुर हुसैनाबाद में हॉस्पिटल दिए, रामपुर में हॉस्पिटल दिए, विकास की गंगा मैंने बहवा दी। और बहवाने का नतीजा हुआ कि जब 12 में चुनाव आया तो ईमानदारी से काम किया था, ईमानदार आदमी हूँ, बहन जी ने मुझसे रुपया 3 करोड़ मांगा तो मैं लुटेरा नहीं हूँ कि पैसा दूँ, इसलिए बहन जी ने मेरा टिकट काट दिया। जी आपने 3 करोड़ आपसे मांगे? जी 3 करोड़ मांगा गया, लेकिन गरीब आदमी हूँ कहाँ से दूँ। अब तो आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठे हैं 5 साल से सत्ता के विधायक, उसके दीवार पर प्लास्टर नहीं है, आपको इससे आभास हो जाना चाहिए। आप उसी के लिए पार्टी छोड़ दिए हैं, 3 करोड़ रुपया मांगा इसलिए आपने? अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, जमीन भी तो उतने की नहीं है, मैं मध्यवर्गीय से आता हूं, किसान परिवार का बेटा हूं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।